लोग गुस्से में हों तो किसी को नहीं बख्शते। फैसलाबाद में बिजली की 18 घंटे लोड शेडिंग पर शहरियों का फ्यूज उड़ गया। उन्होंने न सिर्फ हवाई फायरिंग से डराने वाले सियासतदान की पिटाई लगाई बल्कि उसकी गाड़ी भी तबाह कर दी। बंदूक लहराते और गोलियां चलाते ये साहब बिफरे हुजूम को डराने और भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश उन्हें महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुनव्वर मंच के साथ तो सड़क पर इंसाफ हुआ ही, लोगों ने उनके बेटे को भी धुन कर रख दिया। बेचारे ने जान बचाने के लिए पहले छुपने की कोशिश की, फिर नहर में छलांग लगा दी। फैसलाबाद के इलाके समुद्री रोड के ये लोग 18 घंटे की लोड शेडिंग से इतने गजबनाक थे कि मुनव्वर मंच की गाड़ी को भी निशाने इबरत बना दिया। पावर लूम्स के मजदूर 18 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुनव्वर मंच की कमबख्ती आ गई। लोगों ने पुलिस को छोड़ा और उनको पकड़ लिया। मुनव्वर मंच पिटे भी और फायरिंग करने पर पुलिस ने गिरफ्तार भी उन्हीं को कर लिया।